एक्सप्रेसवे के कॉर्नर ब्रिज पर बीम लगाने का काम आज रात से शुरू हो जाएगा। ठाणे से मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पर कोपरी पुल पर शनिवार की रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक और फिर रविवार की रात 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यातायात बंद रहेगा, इसलिए रात के समय वैकल्पिक मार्ग पर जाम होने की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर कॉर्नर ब्रिज का निर्माण मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और रेलवे प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और मुख्य पुल यानी कि दूसरे चरण का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। कोपरी ब्रिज चे फेज टू चे काम सुरू झालेले आहे। आता सध्या आपण पहिला गर्डर लॉन्च करत आहोत। असे एकूण 7 गर्डर आहेत। सकाळी आपल्याला 6 पर्यंत 7 गर्डर लॉन्च झालेले दिसते। आज रात्री 23 ते सकाळी 6 पर्यंत गर्डर लॉन्च करणार आहेत, त्यामुळे नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य करावे। ठिकठिकाणी कळवा, कापूरबावडी, मुमरा, वागळे, नौपाडा या ठिकाणी डायव्हर्शन करण्यात आलेले आहे। तुमच्यासाठीच या ठिकाणी गर्डर लॉन्च होत आहे आणि सुंदर 4 पदरी रोड मुंबई नाशिक आणि नाशिक मुंबई होत आहे। इस कार्य के तहत शनिवार से सोमवार तक रात और सुबह के समय पर मार्ग बीम लगाए जा रहे हैं, इसलिए ठाणे से मुंबई की ओर जाने वाले यातायात मार्ग को बंद कर दिया जाएगा और यहां के यातायात को वैकल्पिक मार्ग का मोड़ दिया जाएगा। कुछ मार्ग रविवार रात को भी बंद रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखें और उसके हिसाब से ही अपनी डेस्टिनी बनाएं और अपना रास्ता चुनें। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।